अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सूफी फूड में बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सा स्टू। जब कुछ समझ में नहीं आता तब हम बनाते हैं फटाफट झटपट स्टू, बहुत ही अलग मसालों से बहुत ही टेस्टी सा बनने वाला ये हमारा स्टू है। आप देखेंगे बहुत ही आसान और झटपट बन जाएगा। तो चलिए करते हैं हम तैयारी। तो सबसे पहले देखिए हम कुछ साबुत मसाले ले लेंगे, जिसके लिए लिया मैंने साबुत धनिया। तो एक तवे पर हम साबुत धनिया डाल देंगे। मैंने गैस तेज़ कर रखी थी तो बार बार मेरे हाथ चल रहे थे, तो गैस हम कम कर लेंगे पहले। जो मैंने गलती की वो आप मत करना। तो धनिया इसमें डाल देंगे, 3 टेबल स्पून धनिया है। ये दालचीनी, जावित्री, छोटी इलायची, लौंग और ये बादियान के फूल, बड़ी इलायची और हम काली मिर्च लेंगे आधा टेबल स्पून और ज़ीरा लेंगे। ये हमारा गोला था कोकोनट, मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया। तो 5-6 लाल मिर्च, इन सबको हम अपने तवे पर डाल देंगे और कम गैस पर इनको चला चला कर रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए और इनमें अच्छी सी स्मेल आ जाए, खुशबू आ जाए सॉरी। और इनको अच्छे से हमें भूनना है ना कि जलाना, बहुत ही कम गैस पर धीरे धीरे हमें इन्हें भूनना है। और ये हमारा लहसुन है और ये अदरक है, ये सब एक साथ पिस जाएगा। तो हमें आराम आराम से इन्हें भूनना है मसालों को खाली खुशबू आने तक, और कलर हमें इसमें नहीं आने देना है, क्योंकि कलर अगर आएगा तो हमारी सब्ज़ी काली हो जाएगी। तो हमें इन्हें काला बिल्कुल भी नहीं होने देना है, तो सिर्फ हल्का रोस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिर्चों को दबा दबा कर रोस्ट करेंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी हम अपने मसालों को भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं चला चला के मसालों को भून रही हूँ। तो हमें एक प्लेट में देखिए ठंडा कर लेते हैं लहसुन अदरक वाले में, और इसको ठंडा करके मोटा मोटा पीसेंगे। हमें बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है इसे, और दरदरा पीसना है। तो देखिए ये मैंने 2 नली मंगा ली, और हमारा 1 किलो गोश है। तो आप इसे 15 मिनट के लिए पहले पानी में भिगो देना, फिर अच्छे से साफ़ करना, तो आपका गोश एकदम वाइट हो जाएगा, सारा जो खून वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए मैंने प्याज लिए, 4 बड़ी बड़ी प्याज लिए मैंने, मतलब मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी, और ये 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और 4 हरी मिर्च आए, तो इन्हें मैंने रफली चॉप किया है। तो आप अगर टमाटर लेने तो गोल गोल ही काटना, तो ये अच्छे से घुट जाते हैं। और ये हमारे है प्याज, तो देखिए ये प्याज भी मैंने रफली चॉप किया, कोई बारीक नहीं काटनी है, फटाफट हमें रफली चॉप अपनी प्याज कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पहले नली ऐड कर दी है इसमें अपने, और ये डाल देते हैं हम अपना गोश्त अच्छे से वॉश करा हुआ। तो पूरा सारा का सारा हम अपना कुकर में गोश्त डाल देते हैं। अभी गैस मैंने जलाई नहीं है, और मैंने इसमें तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं। और जो अब ये देखिए 1 चम्मच हम इसमें भरकर नमक डाल देते हैं। तो हमें नमक की से दोबारा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, एक चम्मच नमक हमारे लिए काफ़ी होगा। और ये हमारा जो मसाला गोला वगैरह मैंने पीसा था वो डाल दिया हमने इसमें। अगर आपके पास काजू हो तो 5-7 काजू भी लेना, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और 3 टेबल स्पून हमने इसमें भरकर सरसों का तेल ले लिया है। आप इसमें काजू ऐड करेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 5 से 7 काजू इसी मसाले के साथ रोस्ट कर पीस लेना। तो देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला था, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अभी हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है, अभी हम डालेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए ये है 2 टेबल स्पून दही। हाँ जी, तो टमाटर से तो थोड़ा खट्टापन आएगा नहीं, तो हम सिर्फ 2 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। बिल्कुल भी हमें इसमें ज़्यादा दही नहीं डालना है, वरना हमारा गोश्त खट्टा हो जाएगा। और दही की कटोरी खंगाल के मैंने डाल दिया। इसको हम सीटी लगा देंगे, अपने कुकर को बंद कर देंगे, और 5-6 सीटी लगाएंगे तेज़ गैस पर, और कम से कम 20 से 25 मिनट इसे हम कम गैस पर पकाएंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हमारे कुकर को हो चुके हैं। देखिए गैस हमारी निकल चुकी है, तो हम एक बार खोल कर देख लेते हैं। टोटल हमारी सब्ज़ी को बनते हुए 35 से 40 मिनट हो गए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम पहले गोश्त को चला लेते हैं। पानी मुझे अभी लग रहा है अपने गोश्त में, तो देख लेते हैं गला है या नहीं बोटी। तो अभी थोड़ी सी ऐसे तो लग रहा है कि टूट गई, लेकिन खाने में थोड़ी कचर कचर कर रही थी, तो इसको हमें पकना बाकी है। तो देखिए पानी भी है इसमें, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पानी भी है और गोश्त भी नहीं गला। तो इसे हम 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। 1 सीटी या 2 सीटी तेज़ गैस पे लगाएंगे और 10 मिनट के लिए कम गैस कर देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं कुकर को टेबल पे उठा लाई हूँ। तो देखिए सर्व करते हैं। तो देखिए अभी तक फदक आ रही है हमारी सब्ज़ी में। तो अब हम इसमें डालते हैं हरा धनिया, और इस सब्ज़ी में अब हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि गरम मसाला हमने पहले ही ऐड कर दिया था। तो 2 साबुत मिर्ची डाल दी मैंने, 1 लाल मिर्च डाल दी, तो थोड़े गर्म गर्म में हमारी मिर्ची जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो खाने में अच्छी लगेगी। तो देखिए पहले तो हम ये नल्ले जो मोटे मोटे हैं बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें बहुत सारी नली निकली थी, खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप इस सब्ज़ी को नींबू के साथ खाना बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो नींबू बहुत ज़रूर रखना अपनी सब्ज़ी के साथ खाने के लिए, निचोड़ के नींबू खाना। तो देखिए इसे हम सर्व करते हैं, तो कितनी खूबसूरत ये सब्ज़ी लग रही है, खाने में इतनी टेस्टी बनी थी है। आप मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी आपकी बनेगी। जब आपका कुछ बनाने का दिल ना हो और कुछ टेस्टी खाने का मन हो, तो फटाफट ये स्टू बनाइए। तो इसी बात पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।